अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जैसा कि अभी मिसबाह साहब ने मक़ाले का उन्वान बताया है, आज का मेरा मौजू है ज़बान की तालीम, लैंग्वेज एजुकेशन इन द लाइट ऑफ NCF 2005। महात्मा गांधी ने तालीम को समाज में नाइंसाफ़ी, तशद्दुद और अदम मसावात के ख़िलाफ़ कौमी शऊर को जगाने का एक अहम आले कार माना, और इसी नज़रिए उन्होंने अपनी नई तालीम नाम से पेश किया। गांधी जी के पेश करदा नई तालीम में खरीब तरीन माहौल का इस्तेमाल, मादरी ज़बान का बहसत ज़रिए तालीम इस्तेमाल और काम फिज़िकल वर्क को उन्होंने काफ़ी अहमियत दी। जदोजहद आज़ादी के दौरान तालीम के तहत जो मसाइल ज़ेर बहस रहे, इन पर आज़ादी के बाद दो तालीमी कमीशनों के ज़रिए दोबारा गौर किया गया। जैसा हम जानते हैं, वो दो तालीमी कमीशन थे 52-53 के सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और 64-66 के कोठारी कमीशन। इन दोनों कमीशनों ने महात्मा गांधी के तालीमी फ़लसफे से उभरने वाले मुख्तलिफ मौजूदात पर तफसील से बहस की और इनकी बुनियाद पर अपनी सिफारिशें पेश की। दस्तूर हिंद ने 1976 तक स्कूली तालीम से मुख्तलिफ उमूर की जिम्मेदारी रियासती हुकूमतों को तफवीज़ की थी। स्टेट लिस्ट में शामिल था, तालीम का जो मौजू है वो स्टेट लिस्ट में शामिल था, और मरकज़ की जिम्मेदारी महज इतनी थी कि वो रियासतों को तालीमी पॉलिसियों के बनाने में रहनुमायाना खतूत फराहम करे। लेकिन 1976 में दस्तूर में तरमीम की गई और तालीम को रियासती फहरिस्त से निकाल कर मुश्तरका फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। मुश्तरका फहरिस्त में तालीम को शामिल करने के नतीजे में पहली मरतबा पूरे मुल्क के लिए एकसा तौर पर कौमी तालीमी पॉलिसी बनाई गई, जिसे हम कौमी पॉलिसी बराए तालीम NPE 1986 के नाम से जानते हैं। NPE ने यूँ तो कई सिफारिशें पेश की हैं, लेकिन इनमें मुल्क भर के स्कूली निसाब में कॉमन कोर कॉम्पोनेंट्स की मौजूदगी को लाजमी करार देने की सिफारिश को ख़ास अहमियत दी गई। यानी बहुत सी सिफारिशें NPE ने की, लेकिन जो पहली मरतबा ये हुआ कि कॉमन कोर कॉम्पोनेंट का जो मौजूद रखने का जो बात कही गई, उसको काफ़ी अहमियत दी गई। इसी पॉलिसी के तहत NCERT यानी कौमी कौंसिल बराए तालीम और तालीमी तहकीक और तरबियत को कौमी निसाबी ढांचा तैयार करने और वक्फे से इस पर नज़रसानी करने की जिम्मेदारी डाली गई। चुनाचे NCERT ने तीन निसाबी ढांचे इसके बाद यानी 1988, 2000 और फिर 2005 में शाये किए। ये थी कौमी निसाबी ढांचे की मुख्तसर तमीर। अभी हम इस बात करते हैं NCF 2005 की। NCERT की 14 और 19 जुलाई 2005 की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में कौमी निसाबी ढांचे की नज़रसानी का फैसला किया गया। यहाँ यह बात काबिल जिक्र है कि इस मीटिंग में एशपॉल कमेटी की रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन पर ख़ास तौर पर मुबाहसे हुए। इस ज़िमन में एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दी गई, जिसके सरबराह प्रोफेसर एशपॉल थे, और इसमें 21 फोकस ग्रुप्स क़ायम किए गए, जिनके ज़िम्मे मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली मवाद हासिल करना और इन पर गौर तरह करना शामिल था। कमेटी के मेम्बरान में NCERT की अपनी फैकल्टी के अलावा मुख्तलिफ तालीमी इदारों से वाबस्ता असातिज़ा, स्कूली असातिज़ा और गैर सरकारी तंजीमों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। इन 21 फोकस ग्रुप के अरकान ने तफ्तीश करदा मौजूदात पर मेहनत से काम किया और अपनी रिपोर्टों को CAB सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को पेश किया, जहां पर फिर से तफसीली तौर पर तनकीद और मुबाहसे हुए और बिलाखिर इस फ्रेमवर्क को 7 सितंबर 2005 को CAB ने मंजूरी दे दी। NCF 2005 एक जामे दस्तावेज़ है, जिसका हिंदुस्तानी आइन के 8वें शेड्यूल में शामिल तमाम 22 ज़बानों में तर्जुमा किया गया और इसे मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों ने अपने अपने स्कूली निसाब की तदवीन में इसे इस्तेफादा हासिल किया। NCF 2005 की 5 चैप्टर्स में तकसीम की गई है, जिसमें जो हमारा आज का मौजू है लैंग्वेज एजुकेशन से ताल्लुक़ से उसका शुमार शामिल है तीसरे चैप्टर में, जिसका उन्वान है करिकुलर एरियाज स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट। लैंग्वेज के ज़िमन में NCF ने मुख्तलिफ इस्तलाहों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसमें ख़ास तौर पर तीन इस्तलाहें मेरी नज़र में अहमियत की हामिल हैं। एक है मल्टीलिंगुअलिज्म, एक बाइलिंगुअलिज्म और एक होम लैंग्वेज। तो ज़रूरी है कि इसको मल्टीलिंगुअलिज्म और बाइलिंगुअलिज्म और होम लैंग्वेज की यहाँ पर मुख्तसर तशरीह की जाए। मल्टीलिंगुअलिज्म एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें फ़र्द या कम्यूनिटी एक दो से ज़ायद ज़बानों का एकसा तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और बाइलिंगुअलिज्म जब फ़र्द या कोई कम्युनिटी में एक से ज़ायद ज़बान का दो ज़बानों का इस्तेमाल किया जाता है एकसा तौर पर, तो फिर उसको हम बाइलिंगुअलिज्म कहते हैं।
यहाँ पहली मर्तबा होम लैंग्वेज का इस्तेमाल NCF ने मादरी जबान के लिए किया है, लेकिन बजाय के मादरी जबान कहने के उन्होंने पहली मर्तबा होम लैंग्वेज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जिससे मुराद उन्होंने ये बताई है कि ना सिर्फ एक मादरी जबान जो बच्चा अपने घर में सुनता है, बल्कि अतराफ़ व अकनाफ के माहौल की, दोस्तों के साथ जो बच्चा रहता है, तो इस तरह से जो नेचुरली जो बच्चा पहली मर्तबा जबान इख्तियार करता है, हासिल करता है, उसको उन्होंने होम लैंग्वेज का नाम दिया है। और आगे चल कर भी होम लैंग्वेज की उन्होंने अहमियत को बहुत अच्छी तरह से उजागर किया है। तो इसके बाद जो सिफारिशात और जो तजावीज़ इस ज़िमन में लैंग्वेज के ताल्लुक से पेश किए गए हैं, उसमें ये शामिल है कि बच्चे की इब्तदाई तालीम, बच्चे की इब्तदाई तालीम या तहतानी सतह की तालीम को लाजमी तौर पर होम लैंग्वेज में होना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है, अब तक जितने भी कमीशन आए और जिनकी सिफारिशात में इब्तदाई सतह की तालीम को मादरी जबान में देने की बात कही गई, सिफारिश की गई है, और तमाम माहिरीन तालीम इस बात पर मुत्तफिक राय रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ख़ास बात यहाँ पर जो इस गौर करने की है कि होम लैंग्वेज के लिए इन्होंने ख़ास तौर पर यह ताकीद की है, इसातेज़ा को ताकीद की है कि जब बच्चे अपनी अपनी ज़बान में क्लासरूम में बात करें या कम्युनिकेट करें तो उनको उनकी हौसला अफजाई की जाए। जैसे हम जानते हैं कि ज़बान एक ही होते हुए भी उसके मुख्तलिफ रूप होते हैं, मैं इसको ऐसा बता सकती हूँ कि उर्दू ज़बान के हम सब बोलने वाले हैं, लेकिन इलाके के लिहाज से हमारी बातचीत में, हमारी बोलचाल में, हमारे वोकैबुलरी में फ़र्क होता है, लहजे में फ़र्क होता है, तो ये उसकी बोली कहलाई जाती है। तो NCF ने इस बात की तरफ ख़ास तौर पर इशारा किया है कि इब्तदाई सतहों पर, इब्तदाई जमातों पर, तीसरी जमात तक या चौथी जमात तक जो बच्चे जिस ज़बान में बात करते हैं उसकी हौसला अफजाई की जाए और उनको सही करने के और सुधारने की कोशिश नहीं की जाए। मैं इसके पीछे एक बहुत ही अहम नफसियाती नुक्ता है कि जब बच्चे को बच्चे की लैंग्वेज का एहतराम नहीं है तो उनको बताया जाता है कि ये आपकी जो लैंग्वेज है ये मियारी ज़बान से हट के है, तो वो एहसास कमतरी का शिकार होता है। और यहाँ पर मैं समझती हूँ कि NCF के इस तरह से ताकीद करने का मकसद ही यही है कि बच्चे को किसी भी हालत में अपनी ज़बान के सीखने के ताल्लुक से एहसास कमतरी में मुब्तला ना किया जाए और उसकी हिम्मत अफजाई की जाए। मुझे अच्छी तरह याद है कि इस 2005 के बाद जब आंध्र प्रदेश मुश्तरका जो आंध्र प्रदेश था उसमें जब निसारी किताबों की तब्दील हो रही थी तो उनकी ग्रुप मीटिंग्स में यह बात बार बार कही जा रही थी कि जो ज़बान की किताबें हैं उसमें ख़ास तौर पर इलाकाई जो वोकैबुलरी है उनको शामिल किया जाए ताकि जो बच्चे इसको पढ़ें तो उन्हें हर इलाके के बच्चों को लगे कि यहाँ इसमें अपनाइत महसूस हो, तो इससे उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो उभरता है और उनको नहीं लगता कि ये कोई नई ज़बान है या कोई गैर ज़बान है। तो इस तरह से उन्होंने तीसरी चौथी जमात तक बच्चों को उनकी अपनी ज़बान में कम्युनिकेट करने और उसी में पढ़ाने की तरफ बात कही है, लेकिन उसके बाद फिर कहा गया है कि इस दौरान में हालांकि उनको सुधारने की या सही करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उनको मुनासिब स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, मियारी ज़बान में एक्सपोजर मिलना चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा एक्सपोजर मिलेगा तो चौथी जमात या उसके बाद से बच्चा खुद बखुद मियारी ज़बान को इख्तियार करने के काबिल हो जाएगा, इस तरह इनका मानना है। मल्टीलिंगुअलिज्म की इफादियत पर जोर देते हुए कहा गया है कि हिंदुस्तान एक कसीर लिसानी मुल्क है। इससे पहले भी आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में लैंग्वेज को लेकर बहुत सारी बहसें हुई, क्योंकि यही वाहिद ऐसा मुल्क है जहां पर मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, और दुनिया भर में ये एक ऐसा मुल्क है जहां पर 5 बड़े ज़बान के जो ख़ानदान हैं, लिसानी ख़ानदान हैं, उनकी ज़बानें बोली जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं उर्दू है, ये इंडो आर्यन ज़बान से ताल्लुक़ रखती है, द्रविड़ियन ज़बान है, ऑस्ट्रो एशियाटिक ज़बान के ज़बानें ख़ानदान की ज़बानें भी शामिल हैं यहाँ पर, और तिब्बतन बर्मो और अंडमानीस, इन 5 लिसानी ख़ानदानों की ज़बानों का यहाँ पर बोला जाना या पाया जाना इस बात की दलील है कि सिवाय हिंदुस्तान के पूरी दुनिया भर में इस तरह कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर इतनी ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। और ख़ास तौर पर न सिर्फ ज़बानें मुख्तलिफ हैं बल्कि हर ज़बान की कई बोलियाँ भी यहाँ पर हैं। मुझे अच्छी तरह से पूरा डेटा नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में कितनी बोलियाँ यहाँ पर आई हैं। ये कहा जाता है कि हर 2 कोस के बाद हिंदुस्तान की बोली बदलती रहती है, शायद ये किसी हद तक सही हो। इसी मुनासिबत से बच्चे के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी होम लैंग्वेज के अलावा दीगर ज़बानों पर भी उबूर हासिल करे। महज ये कि चूँकि यहाँ पर कसी लिसानियत है, महज बच्चा अपना सिर्फ होम लैंग्वेज को लेकर यहाँ पर सोसाइटी में अच्छी तरह से
एडजस्ट नहीं हो पाता, लिहाजा यहाँ ज़रूरत महसूस की गई कि मुख्तलिफ ज़बानों को भी यहाँ सिखाए जाने चाहिए। पहले भी इससे पहले से लिसानी फार्मूला पेश किया गया था और इस मरतबा भी NCF ने इसी से लिसानी फार्मूले पर अमल करने की तजवीज़ पेश की है। दूसरी ज़बान के सीखने में सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का भी बहुत बड़ा रोल है। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इसको कहते हैं कि जो बच्चा पहली ज़बान सीख लेता है, जो कुदरती तौर पर अपने माहौल से अपने घर से, वो एक भी हो सकती है या दो भी हो सकती है या दो से ज़्यादा, जैसा कि बाईलिंगुअल केस में या मल्टीलिंगुअल केस में। लेकिन शर्त यह है कि फर्स्ट लैंग्वेज के लिए कि वो ज़बान जो कुदरती तौर पर माहौल से सीखी जाए वो फर्स्ट लैंग्वेज है। इट मे बी ए वन मोनोलिंगुअल केस और बाईलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल केस। उसकी मिसाल हम इस तरह देख सकते हैं कि अगर समझे घर में दोनों पेरेंट्स अलग अलग ज़बान के बोलने वाले हैं तो जाहिर सी बात है बच्चे को एक्सपोजर जो मिलेगा दो मुख्तलिफ, एक कन्नड़ है, एक तमिल है, या एक उर्दू है, एक गुजराती है, इस तरह की अगर ज़बान है बच्चा बैक वह सुनेगा बचपन से और उसको एक्सपोजर मिलेगा तो वो बाज़ाबता फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर दोनों ज़बानें सीखेगा या उससे भी ज़्यादा सीखा जाता है। लेकिन सेकेंड लैंग्वेज जिसको कहते हैं कि जो बाज़ाबता तौर पर फर्स्ट लैंग्वेज के सीखने के बाद जो ज़बान सिखाई जाती है उसको सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की जो मकासद इस दस्तावेज़ में दिए गए हैं वो ये हैं। पहला ये कि सीखी जाने वाली ज़बान की बुनियादी महारतों का अबूर हासिल करना। जैसे लैंग्वेज स्किल्स हैं, चार बेसिक फंडामेंटल स्किल्स हैं, LSRW, और उस वो तो है ही किसी ज़बान के सीखने के मकसद। उसके अलावा जो ज़बान सीखी जा रही है उसको उसूल इल्म और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का ज़रिया बनाना। स्कूली सतह पर बच्चों को अंग्रेज़ी ज़बान को सीखना भी मुख्तलिफ असबाब की बिना पर नहायत ज़रूरी है। इसकी NCF में इस बात पर जोर दिया गया है। अंग्रेज़ी ज़बान का चूँकि अंग्रेज़ी ज़बान एक ग्लोबल ज़बान है, इंटरनेट की ज़बान है, हिंदुस्तान की दफ्तरी ज़बान है और ये लाइब्रेरी की भी ज़बान है, इस ज़बान से वाकफियत रखने वालों को मुख्तलिफ उलूम तक रसाई हासिल होती है, चाहे वो ऑनलाइन हो या कोई किताबों के ज़रिए। इक्तिसाब ज़बान के सिलसिले में बात भी काबिल गौर है कि इनपुट रिच माहौल बच्चों को फराहम करना चाहिए। इस इनपुट रिच का इस्तेमाल यहाँ उन्होंने इस्तेमाल किया है। इसकी फिर तशरीह करते कहा गया है इनपुट में मुराद तो तमाम किताबें हैं जो दर्सी किताबों से हटकर होती हैं। दर्सी किताबें भी शामिल हैं लेकिन उसके अलावा कहानियों की किताबें, अदब की किताबें, पैरल का जिक्र उसमें उन्होंने किया है, पैरल किताबें, बहरहाल और जो दीगर एशिया ज़बान के सीखने में जो माविन होती हैं, इन तमाम का इक्तिसाब ज़बान पर काफ़ी असर पड़ता है। और ये टीचर्स को ये हिदायत दी गई है कि वो इनपुट रिच इन्वायरमेंट बच्चों को फराहम करें और साथ ही साथ असातिज़ा के लिए कहा गया है कि वो ऐसे तरीके, इनोवेटिव तरीके और हिकमत अमली स्ट्रेटजीज इख्तियार करें, बनाएं और उस पर अमल करें जो कि बच्चों को ज़बान के सीखने में माविन हों और मुफीद हों और मौसर साबित हों। बहरहाल ज़बान की तालीम के सिलसिले में यहाँ पर न सिर्फ एक हिदायत मिलती है बल्कि असातिज़ा के लिए रहनुमाना खुतूत भी इस NCF 2005 की दस्तावेज़ में शामिल है। थैंक यू सो मच।